मजदूरों की मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर खूब हल्ला बोला। जनसभा में मजदूरों का न्यूनतम वेतन 21,000 करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करने, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी लागू करने व 200 दिन रोजगार लागू करने, 3 कृषि कानूनों को वापिस लेने, ओल्ड पेंशन को लागू करने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, आउटसोर्सिस कर्मियों को नियमित करने व 12 घंटे काम के नए कानून को वापिस करने की मांग उठाई गयी। मीडिया से मुखातिब सेटू नेता कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकारें मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। यदि सरकार मजदूर विरोधी नीतियों में बदलाव नहीं करेगी तो जनता सरकार को बदल देगी। ये जन सैलाब सत्ता बदलाव के लिए उम्मीद से ज्यादा उमड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार नित नए मजदूर विरोधी कानून लाई है और केवल पूंजीपतियों के हितों के लिए कार्य कर रही है। यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे श्रम आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। ये जो जन सैलाब उमड़ा है आज, ये हमारी उम्मीद से भी परे है। हमने उम्मीद किया था कि 2000 के आसपास लोग आएंगे शायद, क्योंकि आंगनबाड़ी का भी एक प्रदर्शन हुआ था, परंतु आप देखेंगे कि इस तरह का प्रदर्शन आज तक सीआईटीयू के नेतृत्व में आज तक हुआ नहीं। और ये मांगे क्या है, वास्तव में क्या है? मजदूर ये मांग कर रहा है कि आप जो न्यूनतम वेतन है, जो केंद्र सरकार भी छलावा कर रही है, आप 21,000 रुपया करो। 21,000 नहीं करना, अरे 400 रुपया दिहाड़ी तो कर दो, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ दो। ये हमारा मांग है। आउटसोर्स के लिए आपने कहा था चुनाव से पहले, आउटसोर्स के लिए नीति बनाएंगे, रेगुलर करने की नीति बनाएंगे। आज तक रेगुलर करने का कोई नीति नहीं है, तो सरकार ने कह दिया कि आउटसोर्स के लिए कोई नीति नहीं बनेगा। बड़ी तादाद में आप देखेंगे जो महिलाएं आगे बैठी हैं, ये सारा मनरेगा वर्कर है जो अलग अलग जिलों से आए, जिसमें बड़ी संख्या में हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा इन एरिया से आया है, ऊना से आया है। क्या इश्यू है? मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी का काम, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, परंतु 100 दिन का क्या 10 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा। पंचायतों में ठेका होगा, किसी ने ऑर्डर कर दिया ठेका नहीं होगा, वीडियो ने ऑर्डर कर दिया हमीरपुर में 5 वीडियो, कोई ठेका नहीं होगा, उसके बावजूद जो है ठेके हो रहे हैं और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अगर काम मिल भी रहा तो दिहाड़ी 45 रुपए 50 रुपए। इसलिए लोगों में रोष है कि ये जो है, ये सरकार जो है हमारे साथ जो है अन्याय कर रही है, बेइंसाफी कर रही है, और इस सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा और बात है, श्रमिक कल्याण बोर्ड है, निर्माण मजदूरों के लिए बना, उसका चेयरमैन है श्रम मंत्री। अब पिछले 3 सालों से बहुत सारे जिलों केंद्रों से सामान उनको इंडक्शन है, साइकिल है, सोलर लैंप है, बच्चों को मिलता है, निर्माण के बच्चों को पिछले 2 साल से बिजीफाई नहीं है। पिछले 2 साल से कोई ये इंडक्शन है, साइकिल है, ये सारी चीजें बटी, तो लोग ये कह रहे हैं कि कल्याण बोर्ड का एक लिए 1300 करोड़ है, कल्याण बोर्ड जमा 1300 करोड़, ब्याज भी खर्च नहीं हो रहा है, परंतु सरकार उस पर कुंडली बनाए बैठी, कुंडली मार कर बैठी है। और बिक्रम सिंह को टाइम नहीं, वो कहते हैं एमएलए बांटेगा, मंत्री बांटेगा, अरे एमएलए को समय नहीं, मंत्री को समय नहीं है, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे, और इसके बाद हमने तय करना है अभी कुछ दिन बाद। अगर ये श्रमिक कल्याण बोर्ड में लाभ नहीं देने, अगर ये सारा वजीफा, ये सारा चीजें नहीं देनी है, फिर जो है कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर मोर्चा लगेगा, इंडेफिनेट लगेगा, अनिश्चितकालीन मोर्चा कल्याण बोर्ड के दफ्तर के बाहर लगाएंगे निश्चित तौर पर। इसलिए जो है मिड डे मील वर्कर का, बिजली का वर्कर आया जो आउटसोर्स है, 10 सालों से काम कर, कोई उम्मीद नहीं है रेगुलर, सारी जिंदगी ठेका पर सारा काम हो रहा है, तो इसलिए हाइडल कवर कराया है। ये सारे मजदूर इसलिए आए हैं कि सरकार जो है बहुत परेशानी लोगों के लिए खड़ी की है, और सरकार नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सरकार। ये तो आप बताओ ना कि आपके 2 साल से वजीफे नहीं बढ़ रहे, 2 साल से आपके लाभ नहीं बढ़ रहे, और मनरेगा में दिहाड़ी लग रही है। मनरेगा जो है वर्ल्ड बैंक का भी एक रिपोर्ट है कि मनरेगा से हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की गरीबी दूर हुई है, काफी हद तक दूर। अगर मनरेगा का 100 दिन का रोजगार मिलता है, 300 रुपया दिहाड़ी मिल जाए,
उस परिवार को 30,000 रुपया सालाना तो बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी दूर करने में मदद करेगा। प्रदेश सरकार को चिंता नहीं, गरीबों की चिंता है। ठीक है, ये कहने से क्या होता है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, मिस्त्री का बेटा मिस्त्रियों के पैसे कैसे फिर रहे, मिस्त्रियों के खिलाफ ही तो सारा काम कर रहे हैं। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।